समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर के गिरिराज महाराज के पूजन को पूर्ण किया। जैसे ही गिरिराज महाराज के पूजन को पूर्ण किया, पूजन को पूर्ण करके वापस अपने श्रीधाम वृंदावन को आते हैं। जब श्रीधाम वापस वृंदावन में आए, इंद्र को पता चला कि इस बार ब्रजवासियों ने हमारा पूजन नहीं किया। छोटे से बाल गोपाल के कहने पर गिरिराज महाराज के पूजन को संपन्न किया है। बुलाया सामवर्तक मेघों को, आदेश दिया जाओ जाकर के ब्रज में इतनी बारिश करो कि ब्रज का नामो निशान समाप्त हो जाए। कहीं भी ये समझ में ना आए कि वृंदावन कहाँ है, ऐसी बारिश तुम्हें करनी है। समझ गए सामवर्तक मेघ, आ गए वापस वृंदावन में, बारिश करने लगे। जैसे ही बारिश होने लगी, बड़े बड़े बूंदों को देखकर, बड़े बड़े ओलों को देखकर समस्त ब्रजवासी घबरा गए। आ गए सीधा कन्हैया की शरण में। देख प्यारे, तेरे कहने पे हमने अपने इंद्र देवता को, जो कि हमारे कुरुगुल हैं, उनको छोड़ करके हमने तेरे गिरिराज बाबा की पूजन किया। अब जब गिरिराज बाबा का पूजन किया तो फिर ये बारिश क्यों हो रही? इंद्र हमसे नाराज हो गए हैं। ब्रजवासियों की बात को सुन करके कन्हैया बड़े भाव से समझाने लगे, देखो जब हम किसी की शरण को ग्रहण कर लेते हैं भरोसे के साथ, दावे के साथ, तो फिर हमारी लाज रखने के लिए वो अवश्य आता है। और अगर हमने किसी से वचन दे दिया है, वचनबद्ध हो गए हैं हम, और हमारी मान, हमारा सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा उस बात पर टिकी हुई, और फिर भरोसा हो हमें लाडली लाल का, तो समस्त वचनों को असत्य कर करके भी हमारे प्रभु हमारा साथ देते। वो सुना है ना, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। शरणागति मजबूत होनी चाहिए। शरणागति और दासत्व ऐसा होना चाहिए कि हमें संसार के लोगों पे नहीं, हमें अपने लाडली लाल के चरणों के जो आश्रय लिया है ना, उस पे विश्वास होना चाहिए। कन्हैया ने समझाया ब्रजवासियों को, अरे पूजन किया है नहीं, जिनकी शरण ग्रहण किया है वो बचाएगा हमें। क्यों? क्योंकि हमने उसकी शरण को ग्रहण किया है। चलो हमारे साथ। गिरिराज बाबा गए, जाकर के दिव्य स्तुति किया गिरिराज महाराज की। हे प्रभु, आज हमारे समस्त ब्रजवासियों के ऊपर ना एक विपत्ति है। विपत्ति क्या है? हमने आपका पूजन किया, इंद्र नाराज हो गया, और नाराज होकर के बारिश हो रही है। बारिश भी ऐसी हो रही है कि हम कहीं रह नहीं सकते। हमारे जीवन पर एक विपत्ति है, और इस विपत्ति को शांत करने के लिए केवल आप ही हमारे पास हो। जैसे ही प्रभु के सामने जाकर के समस्त ब्रजवासियों ने
प्रभु के गुणगान को गाया, राज महाराज के रूप में प्रकट होकर के आज हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल जिनकी अवस्था है केवल 7 वर्षों की और गिरिराज महाराज 7 कोस के उठा लिया आज गिरिराज महाराज को उठा करके अपने बाएं उंगली की बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया गिरिराज महाराज को और समस्त ब्रजवासियों को कहने लगे एक काम करो आकर के यहां पर विराजमान हो जाओ। अब तो हम गिरिराज महाराज के नीचे है ना, अब हमें कुछ नहीं होगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, बारिश होती रही। बारिश 1 मिनट 1 सेकंड के लिए ब्रज में समाप्त नहीं हुई, निरंतर सामवर्तक मेघ ब्रज में बारिश को करते रहे। 5वें दिन ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया बहुत थक गया होगा, अवस्था तेरी है 7 वर्ष की, हम सबन ने नेक लेक से सहारो दियो है तो या में कछु ना होएगो, एक काम करे अब तू आराम कर ले। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, अपने लाठियों का सहारा लगाओ, गिरिराज महाराज को संभाल लो, हम उंगली को नीचे कर रहे। थोड़ा सा उंगली को नीचे किया, सारे ब्रजवासियों की जो लाठियां थी ना टूट गई। सारे ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया डाटियो डाटियो मोए लग रहे हो, गिर रहे हो ब्रजराज महाराज। जैसे ही उठाया, उठा करके धारण किया, कहने लगे तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये केवल हमारे ही बस की बात है। बारिश को होते होते महाराज आज 7वां दिन हो गया, समाप्त हो गया इंद्र का समस्त खजाना बरसात का। मन में विचार करता है अब तो ब्रज का नामो निशान मिट गया होगा, जाकर के देखता हूं। आया ब्रज में, देखा प्रभु ने इधर वैसे ही जिस प्रकार से गिरिराज महाराज को उठाया था ठीक वहीं पर गिरिराज महाराज को फिर से विराजमान कर दिया। इंद्र आता है, आकर के देखता है पूरे ब्रज में बरसात की एक बूंद नहीं, कहीं भी ऐसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि ब्रज में बरसात भी हुई है। सोचने लगा अपने मन में, अरे बारिश तो इतनी हुई है लेकिन सारा जल गया कहां। जैसे ही अपनी आंखों को बंद कर लिया, देखा समस्त दृष्टि को, तुरंत आंखों को बंद करके सब कुछ देख लिया, गया और जाकर के प्रभु के चरणों में पड़ गया और प्रभु से कहने लगा हे प्रभु, हमारे हृदय में आपके प्रेम के सिवा कुछ नहीं है, हमने आपकी समस्त लीला को देख लिया, आप तो साक्षात नारायण है। हमने सोचा था कि ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं किया, हमारी सेवा नहीं किया है तो हम ब्रजवासियों को दंड देंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप ब्रज में आ चुके हैं, आपका प्रागट्य हो चुका है। अनेकों अनेकों प्रकार से स्तुति किया इंद्र ने। अब स्तुति करके आज श्रीहरि ने आशीर्वाद दिया इंद्र को, सदैव मेरे भक्ति का प्रताप तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। आशीर्वाद क्यों दिया, क्योंकि एक दिन नहीं 7 दिनों तक इंद्र की वजह से कन्हैया के पास समस्त ब्रजवासी निरंतर 24 घंटे रहे, प्रसन्न हो गए। वो सुना है ना, पता नहीं कौन से गुण पर दया निधिरीछ जाते हैं। आपको नहीं पता आपके कौन से गुण पर प्यारे जो रीझ जाए, कोई नहीं जानता है। देखो इंद्र के छोटे से भाव पे रीझ गए, इंद्र ने तो प्रकोप किया लेकिन आशीर्वाद दे दिया,
किस चीज का? सदैव भक्ति का आशीर्वाद रहेगा और निरंतर तुम हमारी सेवा करते रहोगे।